बहुत ऑसम है, बहुत ही अच्छा लगा। आई हैव नेवर सीन लाइक दिस मूवी एवर इन माय लाइफ। बहुत बहुत अच्छा था। ऋषभ राज, दे हैव डन अ वेरी वेरी ग्रेट वर्क। द VFX, द स्टोरी लाइन, इमोशनल कंटेंट, एक्शन, इट वॉज ऑल जम पैक एट वंस। यस, फिल्म तो सुपर्ब थी। थोड़ा एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुआ, बट स्टिल अ गुड मूवी। सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, लाइक यू गेट इन दी लाफ रायट क्राई एंड ऑल्सो यू गेट इन दी एक्शन डन। सो ऑल दैट काइंड ऑफ मसाला स्टफ यू वुड बी गेटिंग इन दिस मूवी एंड इट्स प्रीटी एंजॉयबल मूवी, यू विल बी एंजॉइंग दैट। द मोस्ट एपिक 2019 इज एवर गोना सी एंड इट्स दी लाइक द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द मार्वल सीरीज फिल्म्स येट। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बना एवेंजर्स। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई था मूवी लेके, मूवी अच्छा भी है। फिल्म बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत अच्छा बनाया है फिल्म को। और जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि जो सस्पेंस है जो रहेगा एट दी टिल दी एंड, वो मेंटेन रखा है। इवन आफ्टर द सेव द वर्ल्ड थिंग, दे हैव गिवन अ बिट ऑफ यू नो ह्यूमैनिटी ऑल ओवर। दैट्स व्हाट इट इज, यू नो। ओह, इट वाज अ लवली फिल्म, यू नो। इनफैक्ट द couldn't have been a better ending actually. What bade? No words, it was amazing. Amazing. Can't describe how the ending was. It was mind blowing. Brutal actually. अरे यार, रोने का मन कर रहा था बट आई कुडंट एबल टू क्राई बिकॉज मुझे देखना था, मैं रोती ही रहती थी। आई नेवर क्राई व्हेन आई वॉच मूवी बट दिस टाइम आई लिटरली क्राइड टू टाइम्स। सो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल कंटेंट दे पुट इन। So people would definitely cry. There are a couple of scenes where people would cry. Everybody in my line cried. इन दर पर्टिकुलर इंस्टेंसेस तो सभी लोग रोए, मेरे फ्रेंड्स जो हम लोग देख रहे थे हम लोग भी रोए। सो वॉज ब्यूटिफुल। इमोशनली सच बोलूँ तो मैं और मेरे दोस्त लोग रोने लग गए क्लाइमैक्स पर। वो आप ज़रूर देखिएगा और मे बी यू विल फील दैट इमोशन। एंडिंग बहुत ख़राब था, मतलब बहुत दुख हुआ, मतलब बहुत मेन कैरेक्टर का डेथ हुआ है ना, उसके लिए बहुत दुख हो रहा है। पर एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एवेंजर्स। इमोशनली बहुत टच किया, आई थिंक आई विल ओनली क्राइड लाइक 3 times। इमोशनली सही था, लास्ट में थोड़ा सा दिक्कत है, इतना रोना आया बहुत कम पर। VFX इज सुपर्ब, दे ऑलरेडी हैव दैट इन प्लेस। सो उसमें कोई मतलब दो राय नहीं कि VFX अच्छा नहीं होगा। सो एवेंजर डेफिनेटली VFX इज देयर, बट VFX के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इस टाइम आपको देखने के लिए मिली। VFX बहुत ही बढ़िया थे, मतलब अभी तक ऐसा VFX बहुत कम देखना मिला है। सो इट वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल। VFX दिल चूके गई है, तो आई रियली लव VFX। VFX बहुत अच्छा हुआ है, 3D बहुत अच्छा सजाया हुआ लग रहा था, मतलब ओरिजिनल है, मैं वहीं पे प्रेजेंट हूँ लग रहा था। VFX अच्छा था, बहुत अच्छा था। VFX बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पिछले सारे पार्ट्स को तोड़ करके, सारी मूवीज़ को तोड़ करके आई थिंक इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा VFX यूज़ किया गया है। एंड इसमें बहुत टाइम लिया गया है एंड 1 साल का टाइम हॉलीवुड ने दिखा दिया। लाइक आयरन मैन मेरा हमेशा से फेवरेट है। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, इट्स कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका, टोनी स्टार्क, ऑल ऑफ देम लाइक कैप्टन अमेरिका और थॉर। थॉर का एंट्री देख के आया शॉक। आई मैन और स्पाइडरमैन, थॉर, थॉर, या आई थिंक एवरीबॉडी विल मिस इट। द मूवी इज ऑल्सो मेड लाइक दैट कि एवरीबॉडी विल मिस इट एट वंस। कम इन फॉर दैट एंड वॉच एंड एंजॉय दैट मूवी। डेफिनेटली इट्स अ एंड गेम, एंड ऑफ द स्टोरी एंड यू वुड बी एंजॉयिंग दैट। मिस तो करेंगे बहुत, पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट भी आने का, क्योंकि अभी वो स्पाइडरमैन का फार फ्रॉम होम आ रहा है, तो अभी एवेंजर शायद ख़त्म नहीं हुआ और भी आने वाला है। लास्ट में तो इमोशनल हो ही जाएगा क्योंकि ये लास्ट पार्ट है। आई डोंट गिव एनी स्टार्स, नो। 4, 4, 6, 4.5 5, definitely 5. 5 में 5 स्टार। 4, 6, 5? 5 आउट ऑफ 5. 5 आउट ऑफ 5. 10. 15. 5 out of 5. 5 out of 5. It's overrated. It's 11.5 actually. 5 out of 5. There's no more stars to give. I don't know like how many stars I have to give. I'll give everything to it.